राधे राधे आप सभी प्यारी बहनों को। तो देखो, जो भी अपन कथा कहानी कहते हैं उसके बाद में गणेश जी की कहानी कहना जरूरी रहती है। तो आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। गणेश जी की कहानी देखो इस तरह है। तो एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बेटो दूर गांव में कमावाने जातो। जदवा बुढ़िया माँ आपकी बहू ने बहुत ही दुख देती, कुछ उन्हें खाने पीने को भी कोनी देती। जदवा बहू के करती उसके कलेवा पड़ा रहता, उसको खा लेती और थोड़ो सो बखेर देती। जदवा सासू जी पूछती तो वह बहू चूसा को नाम लगा देती। ऊ को धनी 12 महीना से घरा आओ हो। जद वह सोची कि काल मेरो धनी आवेगो, मैं बहुत से जल्दी उठे करे घर को काम काज कर लेंगी। वह गणेश जी महाराज सोचा कि या रोजीना कलेवा खा लेवे है और चूसा को नाव लगा देवे है, झूठो है जो, तो इन्हें चुटकलो दिखाणो चाहे जे। जदवा रात ने बहू रात ने आपकी कमरा में जाकर के नी सो गई, बंद किवाड़ बंद करके सो गई। आपकी धोती ने खूंटी के टांक दी। भी दिन भी वह यही करी, रोजी ना यही करती। जद वह गणेश जी महाराज चूसा ने आज्ञा दे दिया वो की करे की धोती ने बिल में ले जाओ। जद वह सुबह जल्दी बहू उठर के नी देखी तो धोती खूंटी के कोने, और बात तो बैठे बैठी बैठी रोबा लागी। बारना से सब कोई हेला मारने लग गया। बा बोली कि कोई मेरी धोती ने लेगी खूंटी कैसे ले गया, मैं बाहर ने कहीं आऊं। इतनी देर में उनको धनी बाहर गांव से आ गए हो। सब कोई कहने लग गया कि तेरी लुगाई किवाड़ी कौन खोले है। जदवा किवाड़ खोल के अंदर गयो, देखे तो हुगाड़ी हुगाड़ी बैठी है। वा उन्हें तो मार बे लाग्यो करे। वा माने बोलियो करे तू तो झूठ बोले है, बंद कमरा में से धोती कटे जावेगी। जद वा लुगाई आपके मन में गणेश जी ने सुमरबा लागी कि मैं सासू को कले वो चुरा कर खा लेवे ही और चूहा को नाम लगा देवे ही। तो हो सके है कि गणेश जी महाराज माने चुटकला तो नहीं दिखाया है। जद वह गणेश जी महाराज से प्रार्थना करके नी बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरी धोती मिल जावे तो मैं आपके 1.25 रुपया का प्रसाद 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरी धोती मिल जावे। इतनी देर में उकी सासू जी ने धोती को कूणो चुआ का बिल में देखी आयो। जद सासू बोली कि बहू तू तो सच्ची है। जद बहू बोली कि सासू जी मेरी करनी मेरे हाथ में है, मैं सासू जी को कले वो चुरा करके नहीं खा जाती और चूहा को नाम लगा देती तो मैंने तो बिंदायक जी चुटकलो दिखाया है। उस दिन से बहू के मन में बिंदायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी और गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा करवा लागी। गणेश जी महाराज उनने खूब ही सुख धन और संपत्ति हो गयो। सब कोई सुख से रहने लग गया।
हे गणेश जी महाराज परमेश्वरा बहू ने छोटकलो दिखायो जिसे कोई ने मत दिखा जो, और वन धन दियो जिसे सब कोई ने दीजो, कहता ने सुनता ने हुंकारा बरता ने अधूरी ने पूरी कर जो, पूरी को प्रमाण दीजो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।